हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राहुल। वेलकम बैक टू गेट स्टाइलर सॉलिडवर्क्स ट्यूटोरियल सीरीज। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करेंगे इस मॉडल की। इसकी डायमेंशंस हमारे पास इस तरह से दे रखी है। सो ये टॉप व्यू है, ये इसका साइड व्यू है और ये सेक्शन व्यू है। ये आइसोमेट्रिक व्यू में दे रखा है। सो टॉप व्यू से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास रेडियस आ रहा है 46 का, और उसके साथ ही हमारे पास ये स्लॉट दे रखा है जिसका रेडियस हमें 4.5 दे रखा है, और इसका डिस्टेंस सेंटर से इसके सर्कल के सेंटर तक का डिस्टेंस 37.5 दे रखे है। सो ये वाली प्लेट हम सबसे पहले बना लेंगे। सो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियो का अपडेट मिलता रहे, बिकॉज हम रेगुलर वीडियोस डालते रहते हैं। और जो सॉलिडवर्क्स बिल्कुल स्टार्टिंग से सीख रहे हैं या जो रिवाइज करना चाहते हैं, सो उनके लिए ये चैनल बहुत ही बेनिफिशियल है, ये वीडियोस बहुत ही बेनिफिशियल है। सो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे प्लेन ले लेंगे और यहाँ पे एक सर्कल क्रिएट कर लेंगे। सर्कल का रेडियस हमें कितना दे रखा था, 46, और उसका डाय हमारे पास कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2 कर लेंगे। सो इस तरह से आपके पास ये आ जाएगा। नाउ इसके बाद हम एक स्लॉट ले लेंगे, और स्लॉट का डिस्टेंस हमें किस तरह से दे रखा है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना दे रखा है, 37.5, और उसके बाद इसका रेडियस हमें कितना दे रखा है, 4.5। क्लियर है? सो अब हम ट्रिम कर लेंगे इसे, और यहां से ये स्केचेस को ध्यान से और केयरफुली आपने ट्रिम कर लेना है, बिकॉज अगर आप ये स्केचेस रहने देंगे तो आपका एक्सट्रूड जो है वो प्रॉपरली नहीं होगा। क्लियर है? सो यहां से इसको हम सर्कुलर पैटर्न कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 1, 2 और 3 एंटिटीज चाहिए। सो हमारे पास लॉट कौन सा होगा, ये वाला और ये वाला। देन हमें एंटिटीज कितनी चाहिए, 3 चाहिए, तो यहां से ये ओके हो जाएगा। नाउ इसको भी हम ट्रिम कर लेंगे इस तरह से, ये चीज। क्लियर है? सो ये प्लेट हमारी यहां पे क्रिएट हो चुकी है। सो अब की बार हम क्या करेंगे, साथ ही ये वाली जो प्लेट आ रही है इसको भी हम यहाँ पे बना लेंगे, और वन बाय वन सभी को एक्सट्रूड करेंगे। सो प्लेट की डायमेंशन हमारे पास किस तरह से दे रखी है, देखिए प्लेट का हमारे पास सेक्शन भी यहाँ पे दे रखे है। सो प्लेट और जो हमारे पास ये सर्कल के साथ कंप्लीट पार्ट है उसकी डायमेंशन यहाँ दे रखी है। सो जो प्लेट है उसकी विड्थ हमारे पास या थिकनेस हमारे पास 5 mm है, और उसके बाद जो हमारे पास सर्कल एक्सट्रूड हुआ है वो है 5.5, तो इट मींस टोटल जो सर्कल एक्सट्रूड होगा वो 10.5 होगा। क्लियर है? सो इसकी जो हमारे पास थिकनेस है प्लेट की वो 5 mm है, और इसकी विड्थ हमारे पास कितनी रहेगी, जितना हमारे पास आउटर डाया सर्कल है तो वो कितना है, 20। तो 20 और 5 का हमारे पास एक रेक्टेंगल हो जाएगा। सो रेक्टेंगल हमें बनाना कहाँ पे, देखिए हमारे पास यहाँ पे रेडियस 40 का दे रखा है, आउटर जो हमारे पास ये सर्कल लगे हुए हैं तो इसका रेडियस हमारे पास कितना है, 40। सो 40 के डिस्टेंस से हमारे पास यहाँ पे 5.5 का डिस्टेंस दे रखा है, तो यहां से हम इसको ऑफसेट करके इस रेक्टेंगल को बना सकते हैं। तो ध्यान से देखना इसको हम किस तरह से बनाएंगे। सो ये हमारे पास रेक्टेंगल हो जाएगा, और 40 का रेडियस है तो डाया कितना हो जाएगा, 80, और इसको हम 5.5 mm ऑफसेट कर लेंगे इस तरह से, और देन एक रेक्टेंगल बना लेंगे इस तरह से, और जो रेक्टेंगल है उसकी डायमेंशन हमारे पास कितनी है, इसकी हाइट हमारे पास, इसकी विड्थ हमारे पास 20 है, और यहां से जो हाइट हमारे पास है वो कितनी है, 5, और उसको हम अभी क्या करेंगे, सेंटर से सिमेट्रिक कर देंगे। तो सेंटर लाइन हमारे पास है, तो कंट्रोल प्रेस करेंगे, यहां से दोनों साइड्स आएंगी और सेंटर लाइन आएगी, और यहां से हम इसको सिमेट्रिक कर लेंगे तो ये बिल्कुल सेंटर भी आ जाएगा रेक्टेंगल। एंड देन अब इसको ये वाली लाइन और ये वाली लाइन सिलेक्ट करके टेंजेंसी क्रिएट कर देंगे, और इसके बाद हमारे पास ये एक पोजिशन पे आ जाएगा। नाउ इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम कंस्ट्रक्टेड रखेंगे, इसको भी हम कंस्ट्रक्टेड रखेंगे, बिकॉज इनकी हमारे को नीड नहीं है। सो यहां से हम सर्कुलर पैटर्न करेंगे। सो रेक्टेंगल है हमारे पास, एंटिटीज हमारे पास कितनी आ जाएंगी,
6 आ जाएंगी और इसको हम क्लोज कर देंगे इस तरह से, तो ये स्केच आपके पास कंप्लीट हो जाएगा। नाउ इसको वन बाय वन हम एक्सट्रूड करेंगे, फीचर एक्सट्रूड। सो एक्सट्रूड अभी देखिए सारा हो रहा है। सो यहाँ से कंटिगर एरिया सिलेक्ट करेंगे और आउटर डाई को सिलेक्ट करेंगे। सो ये हमारे पास एक्सट्रूड हो जाएगा, और कितना एक्सट्रूड करेंगे 10 mm। सो डिफॉल्ट हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही है 10, ओके कर देंगे। सो इसको स्प्लिट करेंगे अभी, और स्प्लिट करने के बाद स्केच करेंगे और अगेन एक्सट्रूड करेंगे। सो अब की बार एक्सट्रूड क्या होगा, अगेन कंटिगर एरिया को क्लियर करेंगे, और अब की बार हमारे पास ये जो रेक्टेंगल्स आ रहे हैं ये सारे कंटिगर एरियाज होंगे इस तरह से। सो इनको एक्सट्रूड कितना करना है, देखिए बॉटम से हाइट दे रखी है इसके सेंटर तक की 40, क्लियर है। तो यहां से हम इसकी लेंथ ले लेंगे 40 mm। तो ये हमारे पास प्लेट्स आ जाएंगी। नाउ अब यहाँ पे सर्कल बनाएंगे और उनको एक्सट्रूड और एक्सट्रूड कट करेंगे। सो इस तरह से आपके पास ये वाली प्लेट के ऊपर हम स्केच क्रिएट करेंगे। सो क्या होगा, यहाँ पे एक सर्कल आएगा जो कि इसके एंड टू एंड ज्वाइन हो जाएगा, और एक सर्कल और आएगा यहां से। सो दोनों के डाई हमारे पास कितने दे रखे हैं, एक है 20 और एक है 15 का। तो जो ये वाला है वो तो 20 होगा, बिकॉज हमने 20 की रेक्टेंगल की विड्थ ले रखी है, तो एंड टू एंड ज्वाइन किया तो ये उतना ही होगा, और इसकी वैल्यू हम चेंज कर देंगे 15 mm। तो इसको क्लोज कर देंगे, और अब क्या करेंगे, हम इसे एक्सट्रूड करेंगे। कहां से एक्सट्रूड करेंगे, ऑफसेट ले लेंगे 5 mm, और उसकी डिस्टेंस को हम चेंज कर देंगे इस तरह से। और एक्सट्रूड कितना करेंगे, देखिए यहां से हमारे पास वैल्यू दे रखी है 5 इसकी है, और आगे 5.5 है, तो टोटल हो जाएगा 10.5। सो टोटल हमारे पास यहाँ पे कितना हो जाएगा 10.5, क्लोज कर देंगे। सो इस तरह से आपके पास ये आ जाएगा। नाउ इसके बाद स्प्लिट करेंगे, अगेन स्केच करेंगे, और अब कट करेंगे। सो कट के लिए हमें सेक्शन कौन सा चाहिए, एरिया ये वाला चाहिए। सो देखिए थ्रू ऑल जा रहा है, ओके कर देंगे। तो इस तरह से आपके पास ये बॉडी क्रिएट हो जाएगी। सो अब की बार क्या करेंगे, इसको सर्कुलर पैटर्न करेंगे, और उसके लिए हमें एक एक्सिस चाहिए। सो एक्सिस जो भी है सिलेंड्रिकल बॉडी के साथ आती है। सो इस तरह से आपके पास एक्सिस आ गई है, और सर्कुलर पैटर्न करेंगे, एक्सिस उसने पिक कर लिया है। फीचर्स हमें चाहिए, फीचर्स यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो। एक हमारे पास है बॉस एक्सट्रूड, और एक हमारे पास है एक्सट्रूड कट इस तरह से। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास प्लेट्स आ चुकी हैं। अब उसके बाद क्या करेंगे, ये जो हमारे पास सर्कल्स आ रहे हैं, होल्स आ रहे हैं, अब ये लगाएंगे, और होल का जो डिस्टेंस हमारे पास कितना दे रखा है, डाया हमारे पास 5 दे रखा है, और ये जो हमारे पास एक्सट्रूड हुआ है इसके बिल्कुल सेंटर पे है। तो क्या करेंगे, इसी फेस पे जाएंगे, और यहां से हम क्या करेंगे, देखिए यहां से हम इसके सेंटर को ट्रेस करेंगे, हमें लाइंस लेने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक ट्रेस करेगा और यहां से हमें सेंटर दे देगा। नाउ यहां से हम क्या करेंगे, इसका डाया लेंगे कितना 5 mm का, और देखिए बिल्कुल सेंटर पे है, और यहां से हम सर्कुलर पैटर्न अगेन ले लेंगे, बॉडी सिलेक्ट करेंगे, सेंटर उसने पिक कर लिया, एंटिटीज कितनी चाहिए 6, ओके कर देंगे, क्लोज कर देंगे, और यहां से हमारे पास ये स्केच आ जाएगा। नाउ स्केच को हम क्या करेंगे, एक्सट्रूड कट करेंगे। अब एक्सट्रूड कट कैसे करेंगे, आप सोच रहे होंगे कि स्केच हमारे यहाँ पे, कट हम यहाँ पे करना चाहते हैं, तो ये भी सारा कट होगा। सो हमारे पास यहाँ पे ऑफसेट की भी ऑप्शन है, जैसे कि हमने लास्ट एक्सट्रूड में की थी। सो इस तरह से हम यहाँ पे ऑफसेट ले लेंगे, ऑफसेट। अब यहां से डिस्टेंस कितना था प्लेट का, 40, तो 40 के डिस्टेंस से हम इसे कट कर लेंगे, ओके कर लेंगे। सो इस तरह से आपके पास ये होल भी कट हो जाएंगे। सो यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, रिब जनरेट करेंगे। तो रिब आपके पास देख रहे हैं 1, 2, 3, 4, मतलब कि हर एक प्लेट के साथ रिब लगी हुई है। सो रिब की जो डायमेंशन है आपके पास इस तरह से रखी है।
एक लाइन है जिसका डिस्टेंस यहां से यहां तक कितना है 12.5 और उसकी हाइट कितनी है 18 है। तो हम जो रिब है वो कहां से क्रिएट करेंगे, देखिए हमारे पास टॉप प्लेन इस तरह से आ रहा है और राइट प्लेन बिल्कुल सेंटर पे आ रहा है। सो राइट प्लेन पे हम जो है रिब क्रिएट करेंगे और उसको पैटर्न कर देंगे। सो इसको रोटेट कीजिए और रोटेट करने के बाद अगेन व्यू ओरिएंटेशन में जाके इसे अगेन यहां से नॉर्मल कीजिए, ठीक है। तो बिल्कुल इस तरह से आपके पास जो व्यू है बिल्कुल सही आ जाएगा और लाइन जो आप क्रिएट कर रहे हैं, स्केचेस जो क्रिएट कर रहे हैं, मिड पॉइंट और एंड पॉइंट से बिल्कुल ना क्रिएट करें, फ्री हैंड से ज्वाइन करें। बिकॉज अगर आप मिड पॉइंट से करेंगे तो ये वैल्यूज ओवर कंस्ट्रेंट दे देगा हमें, ठीक है ना, ओवर डिफाइंड दे देगा। तो अभी हमारे पास फ्री हैंड है, ये क्लियर है। तो यहां से डायमेंशन लेंगे, यहां से यहां तक कितना आ रहा है हमारे पास 12.5 और ये हमारे पास कितना आ रहा है 18। सो यहां से हम रिब जनरेट कर लेंगे, ओके कर लेंगे और स्केच सिलेक्टेड है हमारे पास रिब। रिब अब हमारे पास कितनी आ रही है, देखिए एरो हमारे पास क्या आ रहा है, बाहर वाली साइड आ रहा है। तो हमें डाउनवर्ड साइड करना है, मटेरियल साइड करना है और थिकनेस हमारे पास कितनी है 4 mm की, ओके कर लेंगे। इस तरह से आपके पास थिकनेस भी दे रखी है और ये डायमेंशन दे रखी है, क्लियर है। तो ये रिब हो जाएगी ना। इसके बाद अभी हम क्या करेंगे, अगेन सर्कुलर पैटर्न करेंगे और डायरेक्शन हमारे पास क्या आएगी, ये एक्सिस आएगी और रिब उसने प्री सिलेक्ट कर ली हुई है। सो यहां से आपके पास एंटिटीज भी 6 है, सो ये इस तरह से क्रिएट हो जाएगा। सो इसके बाद अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हमारे पास 40 का रेडियस है ये वाला। तो हमारे पास ये जो सर्कल है ये हमने स्ट्रेट एक्सट्रूड किए थे, तो हमें ये रेडियस बनाने के लिए भी क्या करना है, यहाँ पे इस फेस पे स्केच करना है और यहाँ पे हमें दो सर्कल लेने हैं। अब दो सर्कल कौन से लेने हैं, एक हमारे पास जो रेडियस है वो कितना होगा 40 और डाया 80 का हो जाएगा और दूसरा जो है हमारे पास वो होगा जितना हमारा आउटर डाया 46 मल्टीप्लाई 292 हो जाएगा। तो इस तरह से दो सर्कल लेंगे और इनको हम क्लोज कर देंगे, क्लियर है। सो अब यहां पे हम क्या करेंगे, एक्सट्रूड कट करेंगे और यहां से हम डायरेक्शन चेंज करेंगे और थ्रू ऑल कर देंगे और कट कर देंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये वाला जो हमारे पास फेस है ये राउंड हो जाएगा। और अगर आप इसको टॉप प्लेन से देखेंगे इस तरह से, तो आप देख सकते हैं ये देखिए, क्लियर है। तो इस तरह से आप इस पूरी बॉडी को बना सकते हैं, पूरे पार्ट को बना सकते हैं। ओके सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो कीप प्रैक्टिस, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।